नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NCERT शार्ट संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये 1 liner है। और इस किताब से हम लोग जो है आपको वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 और पार्ट नंबर 1, पहला पार्ट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 का पहला वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12, लवणता एवं ज्वारभाटा। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 12 आ गए हैं। तो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूड, सनातनी पवने या फिर प्रचलित पवने, प्रिवेलिंग विंड्स, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड मासेस, लवणता, सैलिनिटी और पलावी हिमखंड तथा पलावी हिमशैल, आइस फ्लोस एंड आइस बर्ग्स। ठीक है, सागरीय जल में लवणता प्रति हजार कितना लवणता होती है। तो आपका 30 लवणता होती है, 30% लवणता। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। ठीक है, सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड 77.8% लवण यहाँ पर होता है। ग्रेट झील, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर झील कौन सी है? टर्की की वॉन झील, जहाँ पर आपका लवणता 330% लवणता है। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो 35% खारापन है, 35% लवणता। ठीक है, जॉर्डन के मृत सागर टेड सी में औसत लवणता कितनी है? तो 238 लवणता है। ठीक है, यहाँ पर आपका तापमान का क्षैतिज वितरण दिया गया। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वो आपका अगर 0 से 10 डिग्री पर है तो आपका प्रशांत महासागर का आपका 26.01 आपका तापमान होगा और अटलांटिक महासागर में 25.18 आपका तापमान होगा और हिंद महासागर में 27.14 होगा। 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच आपका क्षैतिज वितरण तापमान का प्रशांत महासागर में 25.11, अटलांटिक महासागर में 23.16 और हिंद महासागर में 25.85। 20 डिग्री से 30 डिग्री आपका जो है जो तापमान का क्षैतिज वितरण है वो तो आपका 21.53 प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में 21.20 और हिंद महासागर में 22.53। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच प्रशांत महासागर 16.98, अटलांटिक महासागर में 16.90 और हिंद महासागर में 17.90
00। और नेक्स्ट है उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, तो 40 डिग्री से 50 डिग्री में आपका जो प्रशांत महासागर का तापमान 11.16, अटलांटिक महासागर का 8.68, हिंद महासागर का 8.67 होगा। और अगर आपका 50 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश का है तो प्रशांत महासागर में तापमान 5.0, अटलांटिक महासागर में 1.78 और हिंद महासागर में 1.63 होगा। ठीक है, विभिन्न सागरों व महासागरों की मलवणता क्या है, तो ये आपका स्थान और ये आपका लवणता है। ठीक है, जो कि सैलिनिटी है, तो महासागरों की औसत लवणता 35.00 लवणता है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35 लवणता है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36.00 लवणता है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35.00 है लवणता। और बंगाल की खाड़ी की लवणता 30.00 लवणता है। अरब सागर की 36.00 लवणता है। ग्रेट साल्ट लेक जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता जो है 220.00 है। और अयनवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता 38 है। खुले सागरों की लवणता 33 से 37 है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14 है। और काराबुगास की खाड़ी में लवणता 33 है। ठीक है, लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति, तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की लंबवत स्थिति। ठीक है, तो ये आपका सूर्य और ये आपका पृथ्वी आपका 90 डिग्री पर, तो इधर आपका चंद्रमा। ठीक है, इधर आपका चंद्रमा। ठीक है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल आपका इधर लगा हुआ। ठीक है, सप्तमी अष्टमी को, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और यहाँ पर भी आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल। ठीक है, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा का है, और ये आपका सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल है। ठीक है, तो इधर आपका चारों तरफ पृथ्वी के जो है एक साइड सूर्य का, तो नीचे ऊपर आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है सप्तमी अष्टमी को। ठीक है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण, तो गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है, तो चंद्रमा से। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में अर्थात सजीगी हो तब बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। एक स्थान पर एक दिन में दो बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो 24 घंटे 26 मिनट। पृथ्वी के परिभ्रमण घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार एवं दो बार भाटा आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर लिया। कल हमारा चैप्टर नंबर 13 होगा, जो कि आपका नदियां रिवर से होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।